मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज हॉकर्स और दुकानदारों पर मनपा ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया। आपको बता दें कि शादी महल गली में मनपा अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी संदीप बने ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि तमाम हॉकर्स और दुकानदार वो शादी महल गली से रोड पर बाहर निकल आए और हंगामा करने लगे। हॉकर्स में काफ़ी नाराज़गी है कि जब उन्हें पीला पट्टा निशान के अंदर लगाने को धंधा कहा गया है और वो धंधा भी वहीं पर लगाते हैं, तो फिर ऐसे में कार्रवाई आखिर उन पर क्यों हो रही है। गलियों में भी जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि दुकान के ओटे पर अगर सामान रख दो तो उस पर भी मनपा कार्रवाई करके जब्त कर लेती है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा हॉकर्स और दुकानदारों का कहना है। वही मनपा के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी संदीप बने ने बताया कि इलीगल तरीके से सामान रखा हुआ था, उस पर कार्रवाई की गई है। मगर सवाल उठता है कि जब हॉकर्स के लिए शहर में हॉकर्स जोन ही नहीं है तो फिर हॉकर्स पर इतनी कार्रवाई आखिर क्यों हो रही है, या फिर इन्हें हॉकर्स जोन दे दिया जाए। जबकि अभी भी हॉकर्स जो धंधा रोड पर लगाते हैं मनपा उनसे 20 रुपये की पावती काटती है और उसके बावजूद मनपा इन हॉकर्स पर कार्रवाई भी कर देती है। आज फिर मनपा के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी कार्रवाई करने पहुंचे थे और दुकानदार और हॉकर्स के बीच में गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि इस दौरान वहां के स्थानीय नगर सेवक जफर नुमानी भी वहां मौजूद रहे। कैसा ये हंगामा हुआ देखिए। कोई नहीं किया, लफड़ा है सबसे पूछ लो, कोई नहीं किया, झूठा इनका ये दो बना ले ले और आज जेल से कमरा बाहर के पुलिस के अंदर खड़े होते तुम लोग बोल रहे कोई गाली नहीं दिया। सर सर से बात किया मैंने, जफर भाई सर सर से बात किया, मेरा पायरी के ऊपर रखा हुआ मेरा है, मेरी दुकान के अंदर है, मैं वहाँ तक का चेक करता हूँ, मैं वहाँ से उठा लिया। मैंने साहब को बोला अगर मेरा इलीगल है तो मेरे को फोटो दिखाओ, मैं सामान लेने नहीं आऊंगा। फोटो नहीं दिखा रहे मेरे यहाँ बताना जवाबदारी बताना जरूरी है कि नहीं कि आपका इलीगल है। आप कौन से हिसाब से कार्रवाई कर रहे हो मेरे को ये बताओ, आपका इलीगल है। दो इंच अगर बाहर है साहब, क्या कार्रवाई क्या हो रही? एक मिनट, एक मुमरा के अंदर ये साहब लोग ने एक चीज बना ले कि हमारे ऊपर धांधली कर रहे हैं, हम पे हाथापाई की, जैसे औरत कहा जाती है चौकी में कपड़ा फाड़ के, कुछ नहीं हुआ, बात हो रही है, कुछ नहीं हुआ, बात हो रही है। कलम इनसे भी ज्यादा हमारे पास है जफर भाई, गलत किया। क्या हुआ जफर भाई, क्या हुआ वो जफर भाई, क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं, मैं नमाज में था, मैंने कंप्लेन की लोगों की बैनर को निकाला जाए, जितने गलियों में बैनर पुराने उड़ाने, उसके बाद मैं नमाज पढ़ा, मुझे फोन किया कि कुछ कार्रवाई चालू है, मैं अभी जस्ट पहुंचा, मुझे मालूम नहीं है, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। भले साहब क्या कार्रवाई क्या हो रही थी? फुटपाथ पर किस्मत कॉलोनी जो है ना, तो फुटपाथ पर जो है वो पूरा जो हमने सामान सब उठा है जो फुटपाथ पे था, वो निकल ये दुकान वो हाथ गाड़ी सब सब हमने उठा था। अभी काहे का विवाद है, मैं क्या बोलूं, मेरे ऊंटे के अंदर है, मेरे को ये फोटो दिखा तो मैं नहीं लूंगा सामान। अभी क्या बैनर निकाल ले, बैनर नहीं, मेरा ऊंटे अच्छा, हॉकर हॉकर पे कार्रवाई हो रही थी, मेरी शॉप है, शॉप है, शॉप के बाहर से उठा रहे, शॉप के मेरे ये स्टोर है ना जो मेरा बाहर होता है, ऊंटे के ऊपर मैं रखा हूँ, अगर ये लोग के पास इनलीगल है वो चीज, अगर ये लोग फोटो दिखा देते मैं सामान ले लूंगा। ओटे पे से उठा रहे थे क्या सर? फुटपाथ पे था, फुटपाथ पूरा सीसीटीवी कैमरा है, पूरा भाई तुम्हारे मोबाइल में फोटो निकाल के बताओ जरा। अरे नहीं यार, उसमें आ जाओ। अरे क्यों अभी इसमें जाएगा, तुम इलीगल हो बताओ ना, अभी ऑफिस में अभी यार इतना टाइम है क्या, काम धंधा छोड़ के ऑफिस में आएगा? बात करो, ऑफिस रिसीव कर रहे, जब तक बात करो भाई, आप लोग के लिए पूरा ट्रैफिक जाम हो रही है, मेहरबानी करो थोड़ा अंदर हो जाओ, बात करो बाहर, अंदर करो आप लोग। मेरा आलम नाम है। अभी आपकी दुकान पे ही कार्रवाई की मनपा? हाँ मेरी दुकान पे की है। क्या हुआ क्या था ये फालतू की कार्रवाई है? मेरा जहाँ तक मैं टैक्स भरता हूँ मेरे बाकड़ा वहाँ तक का था और जो है उसको म्यूनसिपालिटी वालों ने उठा के लेके चले गए।
मैं उनसे बोल रहा हूँ अगर मेरा इलीगल है तो आप मुझे फोटो दिखाइए, मुझे बताइए मेरा इलीगल है, मैं सामान की जो पेनल्टी होगी भर के लाऊंगा चाहे सामान नहीं लूंगा। लेकिन वो फोटो नहीं दिखा रहे और वो धांधली कर रहे, वो हमको अपना ऑफिसर का रोप दिखा रहे, वो बोलते हैं हमारे हाथ में पूरा प्रशासन हमारे हाथ में है, जनता चूतिया है, समझे। और वही हाल हो रहा है जो देश का हाल है वो मुमरा का हाल हो रहा है। गुलाब पार मार्केट के अंदर 20 रुपया म्यूनसिपालिटी लेती है, 40 रुपया जनप्रतिनिधि वसूल कर रहा है। कौन जनप्रतिनिधि आप लोग पता करिए, वो किस लिए वसूली हो रहा है? वसूली होती है हाँ, आवाम को सब मालूम है। लेकिन मुमरा की आवाम क्या है, रात में खाई सुबह सो गई हगली खत्म हो गया। आवाम रोड पे निकलेगी तो ही मुमरा बदलेगा, नहीं तो ये रोज की तुमको रोज की परेशानी सबको झेलनी पड़ेगी। जफर भाई लेकिन जनप्रतिनिधि भी खामोश है, जिस तरह से ये दुकान है अगर यहाँ पर इनका सामान रख उठा है तो कौन सा ऐसा गलत काम हो गया है? अरे सर मैं तो कह रहा हूँ बार बार कि मैं नमाज में था, मुझे अभी कॉल आया कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं बोला मैं 2 मिनट में पहुँचता, मैं मस्जिद के बाहर निकला और आया नाके पर, इसने बताया कि इस तरीके से मेरा बाकड़ा अंदर था उसे उठा लिया गया। मैंने उस ऑफिसर को पूछा कि आप क्यों ऐसा उठाए, बोले सर उनका फुटपाथ पे था। बोले ठीक है फुटपाथ पे भी था अगर है तो, अगर थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर तो उनको बोलो भाई थोड़ा अंदर ले लो, कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत है, कार्रवाई ही मकसद है क्या? कार्रवाई से अगर इस मसले का हल होता है तो ठीक है, आपको लगता है अगर वैसा है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बाकड़ा थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है तो उनको एक बार वार्निंग दो कि भाई अपने बाकड़े को अंदर लगाइए, एक बार दीजिए दो बार दीजिए फिर नोटिस दीजिए, फिर नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद आप कोई कार्रवाई करिए। सडनली आप आएंगे और कार्रवाई करेंगे तो ये नामुनासिब बात है, गलत बात है, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। हम पूरे मुमरा कोसा की बात करो, रोड पर जितने भी हॉकर्स बैठे हुए हैं। जबर भाई देखा जा रहा है कि मुमरा शहर के जो हॉकर्स हैं उनकी ठेला गाड़ियां उठाकर ले जा रही है, मनपा तोड़ दे रही है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है, सबके सब खामोश है। ऐसी बात नहीं है, मैं इस्लामुद्दीन भाई आपको मैं अभी किसी में 10-10 हज़ार 55-6 हज़ार की उनकी ठेला गाड़ी है, आखिर वो कहाँ से लाए? आपको एक चीज़ अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, मार्केट जब मित्तल में गई थी तभी भी सनीचर जब हॉकर जोन है नहीं तो कार्रवाई क्यों होती है सर? पहले एक बात, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए या आप कह लीजिए, मैं बोला बोलिए, आप बोलिए बोलिए जितना पूछा उतना बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मित्तल में हमने मार्केट को शिफ्ट किया था तो भी गली कूचों का यही हाल है, गली कूचों में लोग लगाते, हम लोगों से उस वक्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बराए मेहरबानी मित्तल में जाइए, वहाँ पर हमने आपको जगह प्रोवाइड करवाई है। फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमने उनको दिया था और मच्छी मार्केट जो राकेश बार के पीछे, हमने उनसे 100 बार कहा कि आप जा करके मित्तल में मार्केट लग गई है, आप जा करके लगाइए, लोग जाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कोविड के हालात हैं, अभी रोड का मित्तल के रोड का काम चालू है, फिलहाल थोड़ा सा हॉकरों पर रहम करना चाहिए, रियायत करना चाहिए ताकि लोगों का घर चल सके, क्योंकि हालात बद से बदतर है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हॉकर धंधा करें, लेकिन कहीं ना कहीं यही पब्लिक जब इनके घर का कोई पेशेंट जाता है, जब एम्बुलेंस अटक जाती है तो यही लोग कहते हैं कि तुम नेता लोग इनको मना नहीं करते, ये रोड पूरा ट्रैफिक जाम है, हमारे घर का आदमी चला गया, हमारे घर में एक ही आदमी वो कमाने वाला था, तो हम किसके चुने? इधर कहते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं, इनके ऊपर अगर कुछ कार्रवाई हो जाती है तो ये हमसे नाराज़ होते हैं। तो हम अपील करना चाहते हैं लोगों से कि ठीक है आप धंधा पानी करिए, कारोबार करिए, मैं किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं हूँ, और अगर कोई कारोबार में रुकावट डालता है तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार, लेकिन किसी को तकलीफ़ दे करके, किसी को परेशान करके, ट्रैफिक जाम करके अगर इस तरीके का काम होता है तो ये मेरी समझ से नामुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए, और जो कार्रवाई इस तरीके की ज़्यादती हो रही है ये ज़्यादती बंद होनी चाहिए।